भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 22 जुलाई से पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। इस वनडे मैच में प्लेइंग 11 का चयन इतना आसान नहीं होगा। टीम में सबसे बड़ा बदलाव कप्तान होगा। इस वनडे सीरीज में शिखर धवन टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, जबकि रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा को रेस्ट दिया गया है। आइए एक नजर डालते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी होगी। पहले वनडे मैच में शिखर धवन और ईशान किशन की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए उतरेगी। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। शिखर धवन वेस्टइंडीज के खिलाफ और भी खतरनाक हो जाते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका बल्ला आग उगलने के लिए तैयार है। शिखर धवन की बात की जाए तो वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड बेहद खतरनाक है। वनडे क्रिकेट में शिखर धवन के नाम 17 शतक जड़ने का रिकॉर्ड है। ईशान किशन तूफानी बैटिंग में माहिर है और कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं। ईशान किशन क्रीज पर आते ही बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर देते हैं। सूर्य कुमार यादव का वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर खेलना तय माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को मौजूदा समय में दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जा रहा है। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारत को एक ऐसा विस्फोटक बल्लेबाज मिल गया है जो मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री एंगल में चौके और छक्कों से गदर मचा रहा है। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। संजू सैमसन आईपीएल के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में शुमार है। T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है और कप्तान रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से खिलाड़ियों का पूल तैयार करने में जुटे हैं। संजू सैमसन बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और वो विकेटकीपिंग और बल्ले से कमाल दिखाने में माहिर खिलाड़ी हैं। वो मिडिल ऑर्डर में उतरकर बल्लेबाजी में बड़े बड़े शॉट लगाते हैं। उनके पास काबिलियत है कि वो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में ढेरों रन ठोके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर का खेलना तय माना जा रहा है। श्रेयस अय्यर एक शानदार युवा बल्लेबाज है। उन्होंने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया को कई बड़े मैच जिताए हैं। ऑलराउंडर दीपक हुड्डा वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतर सकते हैं। दीपक हुड्डा इस समय काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दीपक हुड्डा टीम इंडिया के लिए एक बड़ा मैच विनर साबित हो सकते हैं। दीपक हुड्डा ने भारत के लिए अभी तक कुल 2 वनडे और 6 T20 मैच खेले हैं। वही हुड्डा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और घातक ऑफ स्पिन में गेंदबाजी में माहिर हैं। रविंद्र जडेजा आपको ऑलराउंडर 7 पर दिखाई देंगे। जी हाँ, 7 नंबर पर रविंद्र जडेजा बतौर ऑलराउंडर दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में माहिर हैं और जडेजा इंग्लैंड के खिलाफ अपने अच्छे फॉर्म को वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी रखना चाहेंगे। नंबर 8 पर आपको शार्दुल ठाकुर दिखेंगे। उसके बाद आपको शार्दुल ठाकुर के बाद आपको एक ऐसे गेंदबाज दिखेंगे जो टीम इंडिया को शानदार जीत दिला सकता है। जी हाँ, शार्दुल ठाकुर के बाद युजवेंद्र चहल स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगे और उनके साथ आपको नजर आएंगे मोहम्मद सिराज। अब प्लेइंग 11 की बात की जाए तो इसमें शामिल होंगे शिखर धवन, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, आवेश खान और युजवेंद्र चहल। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।